This could be us. So back to what I was saying. This could be us. फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू माय चैनल. अभी बज रहे हैं शाम के, ये देखो ये चिकू गैस मजे ले रही है. अभी बज रहे हैं शाम के 7:30. आज सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग बना पाती. कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ना 5-6 दिन से गुड्डू ना पूरी पूरी रात जग रही है. है गुड्डू, ऐसा क्यों करते हो? चिकू के साथ खेल रही है. 5-6 दिन से ना पूरी पूरी रात जग रही है, पता नहीं क्यों. कम से कम 5-6 बार उठती है, रोती है, तो मैं बार बार उठती हूँ, उसको सुलाती हूँ. हाँ अच्छा, आपकी शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत कर रहे हैं हम. ये देखो फैमिली, देखो अंगूठा जा गया ना मुंह में. अभी मुझे बता रही है कि मुझे भूख लग रही है. हमेशा ये दिन में सोती है, मतलब शाम के अराउंड 4 or 5 के अराउंड सोती है और 7 बजे तक उठती है, 6:30-7 बजे तक. फिर उठते ही इसको मैं बनाती हूँ उसका खाना, इसको लग रही है भूख. और ये जो इसने अंगूठा मुंह में डाला ना, इसका मतलब है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो. वैसे इसको आदत नहीं है, बट वैसे अभी ये अंगूठा मुंह में डाल रही है, बोल रही है मम्मी खाना दो मुझे. देखो भूखी भूखी लग गई. ओ अच्छा, ऐसे ऐसे भूख लग गई. अभी अभी हम बना रहे हैं गुड्डू का खाना, बहुत टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल्स बड़ी सारी डाल के हम बनाएंगे. आप इतने वॉकर पे खेलो अपने. और ये देखो चीकू को, गुड्डू के लिए टॉयज आते हैं फैमिली सारे. चीकू को बहुत पॉजिटिव है उसके बारे में. चीकू कह रहा है कि मेरे को दो टॉयज, गुड्डू को नहीं लेगी. है चीकू बताओ गुड्डू. मैंने अभी ना ये बात नहीं है कि चीकू अगर टॉयज ले रहे हैं, कुछ बच्चों का होता है ना कि चीकू ले रहा है मेरे को चाहिए. नहीं, अगर चीकू इसका कोई टॉय ले रहा है ना, अगर ये खेल रही है, तो ये छोड़ के चीकू के पास दूसरे टॉय की तरफ चली जाएगी. तो मतलब हमारी बेटी बहुत दिलदार है, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ. बता रही थी कि मतलब एक हफ्ता हो गया होगा कि रात को जगती है. मैं पूरी रात नहीं सोती है, मैं सुबह 7 बजे तक जगी रहती हूँ और फिर सुबह 1-1.5 घंटा सोती हूँ और दिन में थोड़ा सा इसके साथ सोती हूँ, जो सोती है. पता नहीं, हो सकता है टीदिंग की वजह से हो रहा हो, क्योंकि इसके दांत तो आ ही रहे हैं, तो हो सकता है इसको रात को थोड़ा पेन फील होता हो. पूरे दिन तो बच्चे खेलते रहते, तो पता नहीं चलता. मैं क्या करूँ, मेरे को इतनी नींद आती है, मतलब ऐसा लगता है मेरा शरीर इतना भारी भारी. दिन में अगर मेरे को दिन में सोने को नहीं मिलता ना बिल्कुल भी, तो बस मेरे को तो ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर ही आ जाते हैं. अब मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, अभी चिल्लाने लग गई है, कह रही है मम्मी व्लॉगिंग बाद में करना, पहले आप मुझे खाना दो. तो मैं हमारी गुडरी का खाना बनाई. गुडरी, हम खाना बनाने जा रहे हैं आपको. ओके गुडरी, ओके गुड्डे मो दिखाऊं. ये देखो ये देखो ये देखो, चीकू ये टॉय चाहिए, मैं गुड्डू को दे रही हूँ. ये देखो ये देखा आपने, देखा आपने, देखा आपने. अब देखो ये लो गुड्डू, ये देखो ये देखो. हाँ अच्छा, आपको भी चाहिए? अब कोई बात नहीं, अब दूसरा वाला ले लो. आप ये वाला ले लो, वो चीकू को खेलने दो. अब ये वाला ले लो, लो अब ये वाला ले लो. अब देखो, अब चीकू को ये चाहिए, देख लो फैमिली. चीकू नो, ऐसे नहीं, ये लो बच, ये आपकी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, ठीक है. ओ ये भी ले लिया चीकू ने. हाँ गुड्डू खेल लो, ले गया चीकू. अच्छा लो फिर इस वाले से खेल लो, लो इस वाले से लो, लो लो बच, ये वाला भी अच्छा है, लो इसे खेल लो. इसकी ध्यान इधर ही है, वैसे आज देख रही है फैमिली, वरना ये दे देती है चीकू को. वैसे तो अभी भी दे दिया, अभी खुद ही दे रही थी, अपने हाथों से मैं रिकॉर्ड करना भूल गई. हाँ इसे खेल लो, ठीक है. ये भी आपका फ्रेंड है ना. अरे वाह गुड्डू का टॉय. ओ ना ना, अच्छा गुच्छा आ गया, गुच्छा गुच्छा आ गया. अच्छा ये रेडी हो रहा है फैमिली गुड्डू का खाना. मैं जितनी भी हेल्दी चीज़ें होती है ना, कोशिश करती हूँ वो मैं डाल दूँ उसके खाने में. इधर दाल मैं धो रही हूँ, साथ में दाल भी डाल दूंगी. गुड्डू आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये सॉक्स क्यों उतारी आपने? फैमिली अगर ये सॉक्स उतारती, सबसे पहले मुझे सॉक्स उठानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे चीकू भाई साहब हैं, ये सबसे पहले सॉक्स उठा के भागते हैं. गुड्डू सॉक्स किसकी है? किसकी सॉक्स है? ठंड लग जाएगी बेबी. फैमिली मैं गुड्डू के लिए कुछ भी बनाती हूँ, तो उसमें ना तो एक जो अंडा होता है ना, उसका येलो जो पार्ट होता है वो डाल देती हूँ. मतलब कुछ भी नहीं, मतलब दूध में तो नहीं डाल सकती, लेकिन जो सब्जी बना दी या खिचड़ी बना दी, तो उसमें जो एग योक होता है वो मैं डाल देती हूँ. क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो अंडा होता है उसका येलो पार्ट होता है वो गर्म होता है. अभी सर्दियाँ बहुत हैं, इसको बीच में खांसी भी हो जाती है, तो इसलिए वो अभी मैंने एक तरफ अंडा उबालने रखा हुआ है, एक तरफ इसकी वो मिक्स वेज जो है दाल के साथ वो रखी हुई है. इसको लग रही है भूख अभी ना, इसको मम्मी ने डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, वरना ये अभी रोती बहुत तेज. और दुद्दू गुस्सा आ रहा है, दुद्दू कह रही है मम्मी मेरा खाना नहीं ला रही. बेबी खाना बन रहा है, थोड़ा मम्मी स्लो है खाना बनाने में, खाना बन रहा है आपको. इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाजर दे दी है इसको.
दादी के पास बैठ के ये चिल कर रही है, चिल। अच्छा नहीं, चिल नहीं कर रही, भूख लग रही है। गुड्डू को थोड़ी रिलीफ मिल रहा है, गुड्डू का खाना आ गया है और गुड्डू की भूख थोड़ी शांत हो रही है अब। बच्चे कभी भी एक जगह बैठ के नहीं खाते। मैंने इसको जो बनाया था वो खिलाया, लेकिन उसमें ना 1/4 पोर्शन रह गया था, तो मम्मी हार नहीं मानती। मम्मी कहते हैं मैं खत्म करा के रहूंगी, अब इसके आगे आगे पीछे पीछे भाग रही है मम्मी। मैं आपको भी दिखाती हूँ गुड्डू कैसे भाग दिया आगे आगे, मुझे नहीं खाना और। गुड्डू आपको दादी खिला के ही रहेंगी बेबी। भाग गई भाग गई भाग गई, नहीं खाना मेरे को दादी, बस। आ गई दादी। ये गुड्डू कुछ क्या है, ये किस क्या है? आ जाओ इधर आ जाओ। हनुमान जी बन चुके हैं हमारी छोटी सी गुड़री। पापा ये गुड्डू खुश हो गई। पापा ने चीकू की खुशी भी दिखा। चीकू खुशी भी दिखा रहे हो, मैं चीकू भी आ ही रहा है फ्रेम। आओ इधर आओ। ओ, ओ, खुशी वो तो खुशी में भाग ही गया। गुड्डू पापा आ गए। ये क्या बन के आई है? हनुमान जी कैसे बन गया? कैरी गोदी में ले लो मेरे को। पापा के कमरे में। अबे कहाँ जा रही है? ओए गुड्डू पापा तो इधर हैं। निकाल दिया। तो ये जो हमारी गुड्डू है फैमिली, ये बहुत शैतान हो गई है। मम्मी बताओ हमारी फैमिली को कैसे इतनी शैतान हो गई है, क्या किया इसने, क्या कांड किया है इसने बताओ। रोज पूजा में साथ खड़ी रहती थी, घंटी ली दो बार इसने नीचे फेंक दिया, घंटी हमारी दो टुकड़े हो गई। अब रोज मांगती है मेरी घंटी, तो मैं रोज भूल जाती हूँ। तोड़ी किसने, कहाँ से आएंगी घंटी बार बार, कौन लेके आएगा, आप लेके आओगे घंटी को? शकल देख रहे हो, फैमिली थी मासूमों वाली बना देती है। तो स्पेशली हम घर से निकले गाड़ी लेके, इतनी दूर हम आया घंटी लेने गुड्डू के लिए। देख रहे हो गुड्डू आपके लिए कैसा है, फैमिली देख रही है चारों तरफ। शॉप पे सारी भगवान की चीजें मिलती हैं, सारी घंटियां और घंटी। अप्रूव करो कौन सी घंटी चाहिए, बड़ी वाली। अच्छा कौन सी चाहिए, कौन सी चाहिए? इसके सामने रख दो, मैं दोनों अपने आप देख। कौन सा चाहिए, छोड़ेगी नहीं, कौन सी चाहिए बताओ, उठाओ। 350 रुपए मीटर। हाँ कौन सी, 350 रुपए मीटर है। कौन सी वाली चाहिए, कौन सी चाहिए बताओ। बहुत सामान देके कंफ्यूज है। ये जो है ना हरि दर्शन की, ये धूपबत्ती है ना? ये धूपबत्ती है। नहीं वो जो आती है चंदन की। दोनों चाहिए इसको। हाँ दादी से जय जय के लेंगे। जय आपके लिए दोनों घंटी ले लें हम, क्योंकि आप एक तो तोड़ ही दोगे फिर दूसरी भी तोड़ दोगे, तो कम से कम दो होंगी तो लंबी चल जाएंगी। हैं गुड्डू दो ले लें, दो ले लें बेबी, आप तोड़ते जाओ हम आते जाएंगे, और क्या काम है हमारा। है सारे भगवान जी के जो सामान होता है ना फैमिली, हर तरीके की घंटी और जो लिफाफे होते हैं, माता की चुनरी होती है, सब कुछ मिल, मतलब मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, काफी अच्छी दुकान है। तो हर तरह की मूर्तियाँ और ये जो होते हैं ना लिफाफे, जो एनवेलप जिसमें पैसे रखते हैं, ये सारी पूजा की थाली, सुंदर सुंदर। अच्छा वो तो शादी की पगड़ी लग रही है मुझे, है ना, पगड़ियाँ। और ये शादी में नोट की माला चढ़ाते हैं, बड़ी सारी चीजें हैं। कभी फुर्सत से यहाँ पे आके देखेंगे हमारे मतलब का कुछ है कि नहीं, है ना। गुड्डू की मतलब की तो मिल गई घंटी यहाँ पे, गुड्डू खुश चले। ये दादी क्या लेके आई, 2 hearts, एक बानी का हार्ट, एक गुड्डू का हार्ट। आज गुड्डू और मैंने सेम कपड़े पहने हुए। आप दोनों मम्मी सेंटा बनो हो। सेम बिल्कुल सेम टू सेम। गुड्डू लो बलून्स, लो बेबी बलून्स। क्या रे ऊपर चिपक गए। अरे भाई किसकी है, कुत्तों की। पापा को बता रहे हो, पापा दादी ने बलून दिलाए। अच्छा सारी बातें बतानी होती है पापा को, कुछ को बातें छुपानी भी होती हैं। क्या हो रही है वो गुड्डू ही बलून का चले
ये तो चले गए ऊपर है गुट्टू। ओ ये क्या हो रहा है? अच्छा आपको बलून चाहिए? मैं दू, मैं देती हूँ, लो ये लो, लो पकड़ो ये। उई फिर ऊपर चला गया, ये लो फिर से। ओए ये चीकू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? लो फैमिली देखो हमारी गुड्डू कितनी खुश हो रही है बैलून के साथ खेल के। ओए 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 कहाँ जा रही है?